Hello my kiddos, how are you all? I hope you all are well. This is Kavita, your Hindi teacher. आज हमारे इस वीडियो में हम करेंगे नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर 6 तोलिया नहाया. रीडिंग हमने कर ली है इस चैप्टर की और बुक वर्क भी हमने कर लिया है. तो इस वीडियो में हम करेंगे नोटबुक वर्क ऑफ चैप्टर 6 तोलिया नहाया. ये है हमारा पार्ट 6. फर्स्टली मेंशन डेट, देन पृष्ठ संख्या, उसके बाद आप लिखेंगे पार्ट 6 तोलिया नहाया. क है हमारा श्रुतलेख, जो कि हमारे टोटल है 6. नंबर 1 स्वेटर, नंबर 2 रस्सी, नंबर 3 बदबू और नंबर 4 हंसते. ह के ऊपर चंद्रबिंदु, हंसते. नंबर 5 लहराने और नंबर 6 है हमारा खुशी. तो ये हमारे टोटल 6 हैं जो आपने अपनी फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर लिखनी है. क्लियर. ख पार्ट है हमारा शब्द अर्थ, जिसमें नंबर 1 स्नान, नहाना. स्नान का क्या अर्थ होता है? नहाना. नंबर 2 स्नान घर, नहाने का कमरा, जिसे हम बाथरूम भी बोलते हैं. बोलते हैं इंग्लिश में स्नान घर, नहाने का कमरा. गुनगुना, हल्का गरम. गुनगुना, हल्का गरम. नंबर 4 खुशी से झूमना, बहुत खुश होना. खुशी से झूमना, बहुत खुश होना. तो ये हैं हमारे 4 शब्द अर्थ. ग पाठ प्रश्न उत्तर. प्रश्न उत्तर शब्द अर्थ से नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करनी है. शब्द अर्थ के नीचे नहीं लिखने हैं. 4 लिखने के बाद क्या होता है, समटाइम्स स्पेस रह जाता है, तो कुछ बच्चे नीचे से ही स्टार्ट कर देते हैं. नो, नेक्स्ट पेज से ही करना है. क पाठ हमारा श्रुतलेख, ख होता है शब्द अर्थ और ग प्रश्न उत्तर. ये सब अलग अलग पेजेस पे ही करने हैं. क्लियर. प्रश्न 1 बिना हाथ पैर क्यों खुजा रही थी. खुजाना मतलब खारिज करना. उत्तर है बिना 2 दिन से नहाई नहीं थी, इसलिए वह हाथ पैर खुजा रही थी. जब हम नहाते नहीं हैं तो क्या होता है, जम्स हो जाते हैं, उस वजह से हमें बहुत खारिश होने लगती है. तो बीना का भी यही हाल था. बीना 2 दिन से नहाई नहीं थी, इसलिए वह हाथ पैर खुजा रही थी. प्रश्न 2 दादी जी ने उसे क्या क्या करने को कहा. दादी जी ने बीना को, उसे का क्या मतलब है, किसका नाम लेना है, बीना. तो उसे किसके लिए यूज़ किया गया है, बीना के लिए. तो दादी जी ने बीना को दांत साफ करके नहाने के लिए कहा, क्योंकि उसके दांतों में से बहुत बदबू आ रही थी. तो दादी जी ने बीना को दांत साफ करके नहाने के लिए कहा. प्रश्न 3 दादी जी ने बीना को कैसे नहलाया. दादी जी ने बीना को गुनगुने पानी से, गुनगुना पानी ल्यूक वार्म वाटर, जो ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और ज़्यादा ठंडा नहीं होता. दादी जी ने बीना को गुनगुने पानी से साबुन मल मल के नहलाया, यानी उसे साबुन से अच्छी तरह नहलाया. दादी जी ने बीना को गुनगुने पानी से साबुन मल मल कर नहलाया. प्रश्न 4 अपनी सफाई के लिए तुम क्या क्या करते हो. तो उत्तर है इसका, नंबर 1 दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, नंबर 2 रोज़ नहाते हैं और क्या करते हैं, नंबर 3 साफ़ कपड़े पहनते हैं. ऐसा ही करते हैं सभी. तो आंसर लिखेंगे नंबर 1 दिन में 2 बार ब्रश करते हैं, नंबर 2 रोज़ नहाते हैं और नंबर 3 साफ़ कपड़े पहनते हैं. तो ये है हमारा पार्ट 6 तोलिया नहाया का नोटबुक वर्क, जो कि आपने अपनी फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर लिखना है और मुझे सेंड करना है सभी ने. ओके, थैंक यू.